हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ माय जमशेदपुर टूर। इस एपिसोड में मैं आज आपको जमशेदपुर के कुछ सुपर पॉश मार्केट दिखाऊंगी, जिसका नाम है बिष्टुपुर, और साथ में होगा खाना पीना, घूमना और भी बहुत कुछ विथ लॉट्स ऑफ फन। तो चलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, और तभी आप आगे बढ़िए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। हेलो एंड वेलकम टू मनीषा फूड स्टूडियो। जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल मैं टाटा में हूं और मैं आपको टाटा का टूर दिखा रही हूं। एंड दिस इज़ माय सेकंड एपिसोड, एंड फर्स्ट एपिसोड इज़ ऑलरेडी लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा रहा है तो प्लीज़ 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 जाकर वो एपिसोड भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में मैं हूँ जमशेदपुर के बिष्टुपुर में। तो मैं बिष्टुपुर में आपके साथ ही कुछ शॉपिंग करूँगी, तो चलिए मेरे साथ कुछ शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद हम एक अच्छे से जगह पर लंच करने चलेंगे। फिर मैं आपके दिखाऊंगी कि वहाँ पर लंच में आज हम क्या करने वाले हैं, और बहुत ही एग्जॉटिक एपिसोड होने वाला है, तो पूरे एपिसोड को ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैं आपको कुछ मार्केट के दृश्य दिखाऊंगी, मार्केट घुमाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ मार्केट घूमिए। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, क्या शॉपिंग की है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए बाज़ार में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर ली जाए। वाह, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, बिल्कुल ये देखिए, ये कुछ बेंच से बने सामान हैं। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मुझे आज कुछ साड़ियाँ ख़रीदनी है, तो मैं आपको साड़ी की दुकान दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं आ गई हूँ अवतार क्लॉथ स्टोर बिष्टुपुर मार्केट में। बहुत ही पुराना शॉप है, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ, मम्मी की साड़ियाँ जब ख़रीदनी होती थी या कपड़े लेने होते थे, तब हम यहाँ पर आया करते थे। बहुत ही अच्छी साड़ियाँ बिकती है। तो ये देखिए, हमने कुछ बंगाली तांत की साड़ियाँ देखी। ये देखिए, दिखा रहे हैं भैया जी, ये देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ बिकती हैं यहाँ पर। लेकिन हमें एक्चुअली इस समय यही मटेरियल लेना था। ये देखिए, ये साड़ी, ये ब्लू कलर की तांत साड़ी मैंने पसंद की। कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहाँ से ख़रीदारी करके हम निकल गए एक चाट पकौड़ी की दुकान। जी हाँ, इसे यहाँ यही कहते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार के बीच में एक टी स्टॉल है, और यहाँ कुल्हड़ में चाय मिलती है। चाय बहुत ही अच्छी मिलती है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये है कुल्हड़, और ये देखिए, ये सारी चीज़ें बनी रखी हैं, गर्मा गर्म है। तो चलिए हम भी कुछ बनवा कर खाते हैं। ये देखिए, तो हमने उनसे कहा कि प्याज के पकोड़े, उसे यहाँ पर प्याजी कहते हैं, तो प्याजी को मटर की घूगनी के साथ यहाँ पर बना कर देते हैं। तो वो मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी लगा, मुझे तो सच में मज़ा आ गया। वैसे मैंने आपको बताया, जमशेदपुर बहुत दिन बाद आ रही हूँ, तो एक्सप्लोर करने का बिल्कुल अलग ही मज़ा है। ये देखिए, फैमिली वालों ने, सभी ने ये इन्जॉय किया, और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और अब ये देखिए, ये मुझे जो पर्सनली पसंद है वो वेजिटेबल चाप, और साथ में मैंने आलू चॉप भी ले लिया है। देखिए, यहाँ बहुत चलती है, आलू चॉप का कल्चर है यहाँ पे, मतलब दो आलू चॉप खा लो, चाय ले लो, नाश्ता आपका हो गया। वाह, सच में मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी बनी है। और अब देखिए, ये दोपहर को 12 बजे हम लोग चाय पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और अब लंच कितने बजे होगा पता नहीं, खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी तो चाय का मज़ा लेते हैं। ये देखिए, है कुल्हड़ वाली चाय, और अभी से ही सुगंध इतनी अच्छी आ रही है, इलायची की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए, ये मैं पी रही हूँ चाय, सब इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग जितने लोग हैं सब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी चाय है, बहुत ही सुपर टेस्ट, इट वॉज सुपर। अब देखिए, वहाँ से चाय पीकर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन रास्ते में हमें एक, देखिए, राखी की दुकान दिखाई पड़ गई, और राखी लेना ही था। ये देखिए, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ बिल्कुल जेन्युइन रेट पर हैं, यानी 20 रुपये, 10 रुपये से शुरू होकर राखियाँ 200-300 रुपये तक भी हैं। यहाँ मैंने भाई के लिए राखी खरीदी, और इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। और हमारा अगला पड़ाव था कमानी सेंटर। जी हाँ, कमानी सेंटर एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको, तुरंत ही दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये हम आ पहुँचे हैं कमानी सेंटर में। ये मैं खड़ी हूँ जमशेदपुर के एक बहुत ही पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, यानी मार्केट कॉम्प्लेक्स, और उसका नाम है कमानी सेंटर मार्केट कॉम्प्लेक्स। जब मैं बताऊं कि जब ये मॉल का ज़माना नहीं था, तब से ये हमारा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसकी वैल्यू आज भी उतनी ही है। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं कमानी सेंटर मार्केट कॉम्प्लेक्स।
ये देखिए बाजारों की रौनक को निहारते हुए हम बढ़ चले आगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए श्री लेदर्स में। श्री लेदर्स जूते चप्पल की बहुत बड़ी सी दुकान है यहाँ पे, और हमें कुछ जूते और सैंडल लेने थे तो हम घुस गए उसके अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जूते चप्पल के थोड़े से कलेक्शंस। ये देखिए ये मैं घुस गई हूँ शोरूम के अंदर, और ये देखिए हमारा कलेक्शन। और यहाँ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, जल्दी हमारी ख़रीदारी पूरी हो गई। ये देखिए ये हमारी ख़रीदारी हो गई, और ख़रीदारी करने के बाद हम बिल्कुल कमानी सेंटर के थोड़े ही दूर पर कबूतरों के साथ समय बिताने चले गए। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या माजरा है। बिल्कुल, चलिए अभी माजरा समझाती हूँ आप। तो मेरे पीछे देखिए ये जो छोटी सी आपको दुकान दिखाई दे रही है, ये यहाँ का बहुत ही फेमस फकीरा चनाचूर है। हम कॉलेज के लाइफ में ये चनाचूर बहुत इंजॉय करते थे, तो देखें आज भी उसका वो टेस्ट बरकरार है या नहीं। तो चलिए, तो मैंने उनसे अभी खाने को चनाचूर बनाने को कहा है, तो खा के मैं आपको बताती हूँ टेस्ट कैसा है। आज भी वही टेस्ट है जो मेरे कॉलेज के दिनों में हुआ करता था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो चलिए यहाँ पर कबूतर को बादाम खिलाते हैं। यहाँ के दुकान के जो ओनर हैं उन्होंने हमें बताया कि आप बादाम खिलाइए कबूतर को, तो वो आपके बिल्कुल हाथों में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। वाह देखिए, सचमुच देखिए, देखिए बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है ना आपके हाथों से कबूतर बादाम खाते हुए। ये देखिए मेरे हाथों में कबूतर बादाम खाते हुए, क्या बताऊं मैं इसका एक्सपीरियंस, मैं फीलिंग ये बता नहीं सकती। बहुत ही मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अलग से एक्सपीरियंस है। देखिए देखिए बिल्कुल, ओहो मैं क्या बताऊं। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है, आपके हाथ में इस तरह से कबूतर बादाम खाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए तुम भी जब जमशेदपुर आए तो इस दुकान के पास जरूर आए, और कबूतरों को बादाम तो जरूर ही खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे देखने के बाद मेरे बेटे मोहित ने कहा कि वो भी कबूतरों को बादाम खिलाएगा, तो देखिए उसके हाथ में भी कबूतर आ गए हैं। ये देखिए सारे कबूतर, बहुत मज़ा है यहाँ पे सचमुच, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अब यहाँ से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है हमारा लंच करने का। मैंने कहा था ना मैं आपको अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चलूँगी, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ अभी चल रहे हैं, ये कोई पार्क नहीं है, बिल्कुल पार्क जैसा लग रहा है लेकिन नहीं। जमशेदपुर में बहुत सारी जगहों पर जो फुटपाथ होते हैं ना, उस एरिया को बड़ा करके उसे पार्क का रूप दिया गया है, ताकि जो हमारा मेन रोड है उसके ऊपर जोर ना पड़े, उसके ऊपर परेशानी ना हो। तो देखिए वहाँ से निकलते हुए हम आ गए हैं अभी डायगनल रोड बिष्टुपुर में। ये वहाँ का बहुत ही फेमस रोड है और मेन रोड है वहाँ का। इसी रोड में सीधा हम जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सीधे हम जाएंगे तो हम आ जाएगा हमारा मद्रासी होटल। और ये देखिए बातें करते करते मद्रासी होटल आ गया। ये 1935 से यहाँ पे है, बहुत ही पुराना होटल है, इसीलिए हम इसी होटल को हमने प्रेफर किया। लेकिन इस एरिया में इसके आगे पीछे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो देखिए 5 मिनट की हमारी वेटिंग लगी और इसके बाद हम आ गए हैं अंदर। यहाँ हमेशा ही भीड़ होती है। तो यहाँ देखिए मेनू में आपको दिखाऊं, इस मेनू में 65 टाइप के डोसाज हैं। तो उसमें से हमने जो पसंद किया वो देखिए ये चीज़ सादा डोसा, और साथ में ये देखिए स्पेशल अनियन मसाला डोसा। फाइनली हम आ पहुँचे हैं लंच करने के लिए मद्रासी होटल में, जो कि यहाँ का बहुत ही पुराना होटल में है, और ये है नटराज सिनेमा हॉल के बिल्कुल ही बगल में, और ये इसे नटराज रोड भी कहते हैं, और यहीं पर हमारा स्कूल कॉलेज सब कुछ है। पहले लंच कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपने स्कूल और कॉलेज भी दिखाऊंगी। और अभी हम लंच करने के लिए बैठे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने यहाँ के मैनेजर से बात की,
कि आप हमें डोसा का मेकिंग दिखाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोविड की वजह से हम किचन में किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर संभव होगा तो मैं किसी न किसी एपिसोड में आपको यहाँ का डोसा मेकिंग ज़रूर दिखाऊंगी। एंड दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स साउथ इंडियन डिशेज, दैट इज़ मसाला डोसा, इडली एंड मेदू वड़ाज एंड ऑल दैट। एंड वी हैव ऑर्डर टूडे मसाला डोसा, इडली एंड वड़ा। तो चलिए अभी आपको जब आएगा हमारा मसाला डोसा तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमें यहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई, लगभग 3 बज गए, लेकिन देखिए 3 बजे भी यहाँ मैं आपको सराउंडिंग दिखाऊँ, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दीवार पे एक पेंटिंग लगी है जिसमें कि जमशेदपुर का नाइट सीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए बातें करते करते हमारा डोसा भी आ ही गया। ये देखिए अभी से ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है। सो फाइनली आवर डोसा इज हियर। ये है, मैं हमने दो तरह का डोसा ऑर्डर किया है। तो ये है देखिए हमारा चीज़ सादा डोसा, मैं आपको दिखाऊंगी कि चीज़ इसमें कितना डाला है, और ये हमारा स्पेशल अनियन डोसा। और साथ में देखिए ये मैंने ऑर्डर किया है, ये मेदू वड़ा और ये हमारी इडली, मेदू वड़ा और इडली। तो मैं आपको खा के और टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा ये डोसा, ये स्पेशल डोसा मद्रासी होटल का, वो कैसा है। पहले मैं क्रिस्पीनेस दिखा दूँ, सी द क्रिस्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है डोसा। और देखिए ये घी, ये देखिए ये साथ में डाला है ये घी एंड बटर बोल। और ये देखिए ये है चटनी, रेगुलर कोकोनट चटनी, और ये हमारा सांभर। मैं खा के बताती हूँ कैसा है। बहुत अच्छा है, और इसमें जो बटर का टेस्ट है बहुत ही बोल्डली आ रहा है, बटर का टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा बटर डाला है। तो चलिए मैं आपको अभी चीज़ दिखाती हूँ, हाथ से ही दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसमें चीज़ देखिए, ओवरलोडेड चीज़ है। अगर मैं पूरा दिखाऊं तो पूरा अंदर चीज़ डला हुआ है। मैं थोड़ा सा ही आपको दिखाती हूँ और थोड़ा सा चीज़ टेस्ट करके बताती हूँ। यह है चीज़ प्लेन डोसा। अच्छा, बहुत अच्छा है, चीज़ का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम अपना ये स्पेशल मसाला डोसा, मैंने ऑर्डर किया था स्पेशल अनियन मसाला डोसा, वो मैं दिखाती हूँ। इसके भी पहले मैं क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ, इस तरफ से देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए ये हमारा मसाला डोसा, ये अनियन, मैंने स्पेशल ऑर्डर किया था अनियन डोसा, ये अनियन डोसा है। मैं खा के बताती हूँ, लोडेड विद बटर, बहुत अच्छा है टेस्ट। अब मैं आपको मसाला दिखाती हूँ, मसाला देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आलू का मसाला है, और साथ में देखिए चना की दाल और अनियन, और बहुत ही स्वीट टेस्ट है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है। तो चलिए एक बार और बाइट लेके दिखाती हूँ मसाला डोसा मसाला के साथ। वेरी सटल टेस्ट ऑफ आलू मसाला, वेरी सटल, एंड कलर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। चलिए ये मैं फिनिश करती हूँ और उसके बाद मैं इडली और वड़ा का टेस्ट आपको बताऊँगी। तो डोसा तो मैंने फिनिश कर लिया, बहुत ही अच्छा था, और अब मैं ये जो वड़ा ऑर्डर किया है मैंने, बहुत ही क्रिस्पी है, ऊपर से ही मुझे बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है, बहुत गर्म भी है। और ये हमारी इडली, वेरी सॉफ्ट इडली, ये मैं टेस्ट करती हूँ। और डोसा से ही मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा है। तो पहले मैं इडली खाती हूँ, देखिए इडली को तोड़ रही हूँ। ये चटनी, सेम चटनी है जो डोसे में चटनी थी। सॉफ्ट है, एंड कोकोनट चटनी का रेगुलर टेस्ट है, उतना कुछ खास नहीं। इडली के साथ सांभर के साथ ट्राई करती हूँ।
सांभर के साथ ठीक है, सांभर का स्वाद ओके है, अच्छा है कह सकते हो। चलिए वड़ा मैं खा के दिखाऊं, वड़ा ही सो क्रिस्पी, मैं हाथ से दिखाती हूँ तोड़कर। क्रिस्पी भी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी है, फ्लफी भी है, दिखाओ उधर। चलिए मैं खा के बताऊं टेस्ट कैसा है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, अच्छा भी बहुत है। अब मैं बिना चटनी के खा के बताती हूँ एक्चुअली है कैसा, क्योंकि चटनी के साथ ना सबका टेस्ट एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल सादा। बिना चटनी के ना इसका स्वाद समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब मैं फिनिश करती हूँ, इसके बाद आपको मिलती हूँ। हमारा लंच हो गया है और लंच के बाद हम बाहर निकल पड़े हैं, तो देखिए थोड़ी शाम होने को आई, क्योंकि आज का हमारा जो टाइम टेबल था बहुत गड़बड़ हो गया और हम अभी 4:30 बजे लंच करके निकल रहे हैं। फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अपना स्कूल और कॉलेज आज दिखा ही दूँ, उसके बाद हम लोग फिर वापस से अपनी मम्मी के घर चले जाएँगे। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बहुत दिनों तक DM मदन स्कूल के नाम से था, लेकिन धीरे धीरे करके स्कूल बंद हो गया और ये अब KMPM वोकेशनल कॉलेज के अंडर में आ गया है। और मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो DM मदन गर्ल्स हाई स्कूल से ही हुई थी, लेकिन अब ये KMPM के अंडर है और KMPM से मेरे इंटर कॉलेज की पढ़ाई हुई, यानी कि 12th तक मैंने पढ़ाई की है। तो वो कॉलेज जो ओरिजिनल कॉलेज है वो भी मैं दिखाऊंगी और उसी का ब्रांच ये है। तो देखिए ये है मेरा पुराना कॉलेज। यहाँ स्कूल के आजू बाजू सराउंडिंग में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रीट जॉइंट भी है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी के टाइम में आपको मिल जाएंगी। ये जो स्ट्रीट जॉइंट है ये पहले हमारे स्कूल के पीछे हुआ करता था। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा मैंने बताया वी आर सो डन, हम इंजॉय तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं आपको दुकानें दिखा रही हूँ। पाव भाजी है, उसके बाद मोमोज हैं, डोसाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और शाम को अगर यहाँ पे आया जाए ना, ओहो मज़ा ही अलग होगा, वाह। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे ज़रूर आऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बोलती हूँ। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और मैं आपको KMPM कॉलेज का जो ओरिजिनल लोकेशन है डायगोनल रोड पर, उसकी मेन गेट खुलती है, वो आपको दिखाती हूँ। पहले बिल्कुल वहीं पर हमारा जो स्कूल जो कॉलेज था, जो KMPM कॉलेज था, जिसे आज हम 11th और 12th कहते हैं, तो तभी इंटर कॉलेज के नाम से वो था। और अभी मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है KMPM वोकेशनल कॉलेज का ओरिजिनल जो पहले लोकेशन हुआ करता था। जब मैं पढ़ती थी तब यही गेट मेन था और यही मेन लोकेशन हुआ करता था। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ का फेज था और उसमें भी हमारा अड्डा बहुत होता था। चलिए अब इंटर कॉलेज से निकल के हम बढ़ चलते हैं अपने डिग्री कॉलेज की तरफ, यस, जहाँ से मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई की है। ये है यहाँ का फेमस जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जमशेदपुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और हमारा अड्डा हुआ करता था कभी। जी हाँ, जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपनी हायर स्टडीज़ की है। तो देखिए यही है मेरा कॉलेज, मैंने कहा था ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो चलिए अब चलते हैं। तो चलिए जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और प्रीमाइसेस के अंदर दिखा दूँ। ये है प्रीमाइसेस, बिल्कुल ये सामने फ्रंट का हिस्सा है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। और इसके बाद चलते हैं, चलिए बिल्कुल ही एग्जॉटिक से प्लेस में बहुत ही नए तरह का मार्केट है, वहाँ मैं आपको घुमाती हूँ। ये है अमर मार्केट,
बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारे सामान यहाँ भी मिलते हैं, हमने यहाँ से भी अपने वीडियो के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ अमर मार्केट में, बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है, लेकिन सारी नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम कुछ सामान ले रहे हैं, जैसे कुछ स्पीकर है या स्टैंड है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगा, तो मैं ये चीज़ें ले ले रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों का आना जाना कंटिन्यूस लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं मार्केट में घूमते हुए आपको और थोड़ा सा सीन अपने पीछे का दिखा दूँ, नज़ारा देखिए। कल एक्चुअली संडे है, लॉकडाउन का दिन है, तो आज मार्केट में अच्छी खासी भीड़ है। और मैं यहाँ देखिए आप हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, आप मेरे पीछे बस देखते जाइए। ये देखिए ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ये है अमर मार्केट, यहाँ का फैंसी मार्केट कह सकते हैं। यह सारी नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, हर एक तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़े हो या फिर ब्लूटूथ वगैरह हो या फिर मोबाइल से संबंधित हो, या जैसे ये देख रहे हैं ग्लास की दुकान है, बहुत सारे बिल्कुल चमकदार तरह तरह के चश्मे। चलिए मुझे भी लगता है कुछ ट्राई करना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी खरीद ली हैं। ये देखिए ये जूता चप्पल है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से चलिए बाहर निकलते हैं। तो चलिए बहुत गर्मी लग रही है मास्क में, एक्चुअली अब हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है और शाम भी ढल चुकी है, और अब हमारे घर वाले कह रहे हैं कि अब सीधा घर चलते हैं, हम सारे दिन बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, रेस्ट करते हैं, और उसके बाद कल मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी, पापा से भी मिलवाऊंगी, और उसके बाद मैं अपना घर भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा घर में। और घर आते ही मैं तो माँ से बिल्कुल लिपट ही गई, ये अनुभूति शब्दों में नहीं बता सकती मैं, बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति है। तो मैंने माँ से बहुत सारी बातें की, दिन भर की कहानियाँ सुनाई, और उसके बाद चलिए मिलती हूँ आपसे कल। आइए आज मैं आपको अपने घर के आसपास का थोड़ा सा लोकेशन दिखा दूँ। ये है दयाल सिटी जो कि गोविंदपुर में पड़ता है, और ये है मेरा घर। अब हम इसके घर के अंदर भी चलेंगे, वैसे भी आज मेरा यहाँ पर जमशेदपुर में आखिरी दिन है, और मैं आज ही यहाँ से खड़गपुर के लिए निकलने वाली भी हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा घर दिखा दूँ आपको, ये मैं जा रही हूँ घर के अंदर, और ये मैं अंदर अपनी मम्मी और पापा से बातें कर रही हूँ। ये है मेरी मम्मी जिनसे मैं बातें कर रही हूँ, और ये है मेरे पापा मेरे पिताजी, और ये मेरी मम्मी श्रीमती सुनीता चौधरी जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और ये मेरे पापा श्री आनंदी चौधरी जो कि सीनियर मेटलर्जिस्ट रह चुके हैं टिस्को में। तो ये देखिए इन्हीं के दिए हुए शिक्षा और संस्कार से आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ, और वही शिक्षा और वही संस्कार मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। तो देखिए उनके साथ कुछ अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे से पल बिताते हुए, ये है मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए बिल्कुल किसी राजा से कम नहीं है, वो बिल्कुल सम्राट है मेरे लिए इस दुनिया में। ये देखिए ये मम्मी पापा के साथ इस पल को कैसे मैं शब्दों में बताऊं मुझे पता नहीं, बिल्कुल आप लोग देखकर समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो एक यहाँ पर पार्क है उसमें हम लोग घूम कर आते हैं, तो हम चले पार्क की तरफ। यहीं पर बस बिल्कुल चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनके लिए एक पार्क बना हुआ है, बहुत ही अच्छी सी जगह है, छोटी सी लेकिन बिल्कुल अच्छी सी जगह है। तो वहाँ भी मम्मी ने बोला आज तो तुम चली ही जाओगी, तो चलो यहाँ भी घूम कर आते हैं। तो मम्मी के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताते हुए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है यहाँ पर, ये लीजिए इसे मैं क्या कहूँ, बचपन के दिन याद आ गए बिल्कुल, जब मम्मी मुझे झूला झूलाने के लिए ले जाती थी, और आज देखिए फिर से वही पल वही दिन वही खुशी मम्मी के साथ झूला झूलते हुए। और ये देखिए ये मैं अपने बेटे के साथ भी झूल ले रही हूँ, चलो भाई मेरा प्यारा बच्चा। बस झूला झूलना ख़त्म, हम आ गए हैं अब घर में, और घर में देखिए क्या दृश्य है, ये देखिए घर में सामान की हो रखी है पैकिंग, क्योंकि अब हमें यहाँ से खड़गपुर के लिए निकलना है।
आज हमारा दिन बस यहीं तक था। थोड़े ही दिनों में मैं अपनी मम्मी को भी अपने पास बुला लूँगी और ये जो कस्टमरी रिचुअल्स है, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे जीवन में, माँ से गले लगना, मन तो हो रहा था फूट फूट कर रोऊं। ये है फोटो सेशन टाइम जो कि अक्सर विदाई के समय में होती है। ये देखिए मम्मी पापा के साथ, और ये जो पिंक शर्ट में है वो मेरे छोटी बहन के हस्बैंड है, वो भी आए हुए थे मम्मी पापा से मिलने। देखते देखते वो भी समय आ पहुंचा जब अपने मम्मी को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है अपने शहर पर। क्या करें, संसार है, दुनिया है, ऐसे ही चलती है। मुझे फूट फूट कर रोने का मन हो रहा, लेकिन नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं बनूंगी। और थोड़े ही दिनों के बाद मेरी मम्मी मेरे पास ही आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्दी ही आपको अपने अगले रेसिपी वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय। अब जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।